नमस्कार, ऐसे बिज़नेस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं नीतू जी, जिनकी ढेरों सारी किताबें, कविताएं आपको बुक्सों पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे देखने को सुनने को मिल जाती हैं। और भ्रूण हत्या के ऊपर वो घर घर जाके इस चीज़ का जन प्रचार करती हैं। नीतू जी, आपका ऐसे बिज़नेस में स्वागत है। एक माँ की कोख में पल रही बेटी किस तरह से अपनी माँ से अपना दर्द बयान करती है, वो मैं आपको अपने शब्दों के माध्यम से बताना चाहती हूँ। मैं मरी रही ना जिंदी, ये कैसा प्यारे पिताजी। मैं मरी रही ना जिंदी, ये कैसा प्यारे पिताजी। ओ मेरा मत छीनो जीने का प्यारा अधिकार पिताजी। ओ मेरा मत छीनो जीने का प्यारा अधिकार पिताजी। मैं कभी से सोच रही थी मुझे माँ की गोद मिलेगी, मेरी उंगली पकड़ पकड़ कर मेरी माता संग चलेगी। आंगन में कली खिलेगी, आंगन में कली खिलेगी। बन कर पतिवार पिताजी, ओ मेरा मत छीनो जीने का प्यारा अधिकार पिताजी। तेरे घर में कुछ दिन रह कर अपना जीवन काटूंगी, तेरा रूखा सूखा खा कर ना किसी काम नाटूंगी। सुन कर फटकार पिताजी, ओ मेरा मत छीनो जीने का प्यारा अधिकार पिताजी। बेटों से प्यारी बेटी सब करती दूर निराशा, बेटों से प्यारी बेटी सब करती दूर निराशा। इस जीवन के पथ पर वो रहा सदा ही प्यासा, ये कुमारिनी तू समझाती ये अंधा प्यार पिताजी। ओ मेरा मत छीनो जीने का प्यारा अधिकार पिताजी। मैं मरी रही ना जिंदी, ये कैसा प्यारे पिताजी। मैं मरी रही ना जिंदी, ये कैसा प्यारे पिताजी। ओ मेरा मत छीनो जीने का प्यारा अधिकार पिताजी। आप थे नीतू जी, जो घर घर जाके अपनी सहेलियों को लेके भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं। और आज ऐसा क्यों होता है 21वीं सदी के अंदर, जैसे 21वीं सदी हम लोग बोलते हैं, और आज भी बेटी सबको, बहू सबको चाहिए, माँ सबको चाहिए, पत्नी सबको चाहिए, बहन सबको चाहिए, पर बेटी नहीं चाहिए, कन्या क्यों नहीं चाहिए? ये कभी सवाल अपने आप से भी पूछना चाहिए। जिस बच्चे ने इस दुनिया को देखा भी नहीं, हम लोग उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? ऐसे न्यूज़ के साथ बात करने के लिए नीतू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।